अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं जो प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो है जी एक सनब्लॉक। ठीक है, सनब्लॉक, अफोर्डेबल सनब्लॉक जो है वो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी। ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं अपने इधर ऊपर आई बटन पे जो है लिंक डाल दूंगी, आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे तो वो वीडियो जो है ओपन हो जाएगी और आप लोग जो है वो वीडियो देख सकेंगे। वो सनब्लॉक जो मैंने यूज शेयर किया था आप लोगों के साथ वो भी ऑल स्किन टाइप वालों के लिए है, ड्राई स्किन और नॉर्मल स्किन दोनों के लिए। ठीक है, सो बात करते हैं इस सनब्लॉक की। इसका नाम है लेजस। सो लेजस सनब्लॉक जो है दो तरह की स्किन के लिए है। ठीक है, एक जिनकी स्किन ऑयली है उनके लिए और दूसरा जिनकी स्किन कॉम्बिनेशन है। ठीक है, मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है, मतलब कॉम्बिनेशन स्किन ऐसी होती है जिसकी जो टी जोन होता है और उस पर और फोरहेड के ऊपर यानी पेशानी और नाक के इर्द गिर्द जो है स्किन पर जो है वो ऑयल होता है और बाकी जो स्किन का हिस्सा है वो थोड़ा ड्राई होता है। ठीक है, ऐसी स्किन को हम कॉम्बिनेशन स्किन कहते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी कि कॉम्बिनेशन स्किन कैसी होती है। ठीक है, सो लेजर सनब्लॉक जो है वो अल्ट्रा हाई प्रोटेक्शन विद व्हाइटनिंग एजेंट की जो खूबियां हैं वो इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें जब आप इसको अप्लाई करेंगे उसके बाद अपने फेस पे ग्लो जो है वो आपके फेस पे बहुत ज्यादा आएगी और दूसरा जो एक व्हाइट कास्ट का इश्यू होता है सनब्लॉक को अप्लाई करने के बाद कि व्हाइट कास्ट जो है हमारी स्किन पे बिल्कुल भी ना आए, वो बिल्कुल भी नहीं होगी। ये आपकी स्किन में बहुत ही अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा और ज्यादातर जो सनब्लॉक्स होते हैं वो लगाने से स्किन बहुत ज्यादा ग्रीसी हो जाती है और बहुत ज्यादा वो सीबम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला सनब्लॉक जो है वो लगाने से आपकी स्किन नॉन ग्रीसी रहेगी और ये जो सनब्लॉक है आपकी स्किन की जो सीबम है उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, और बिल्कुल भी जो है आपकी स्किन के ऊपर ऑयल जो है वो नहीं आपको महसूस होगा। ठीक है, इसकी जो पॉलीमर बेस्ड टेक्नोलॉजी है यहां पर इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, पॉलीमर बेस्ड टेक्नोलॉजी की वजह से आपकी स्किन को एक स्मूथ फिनिश जो है वो मिलती है। सो इस सनब्लॉक की खास बात यह है कि इसके अंदर माइक्रोनाइज्ड जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड मौजूद है। ठीक है, यह हर तरह के हार्श केमिकल से आपकी स्किन को बचा रहा होता है और स्किन को एक स्मूथ टेक्सचर जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें एसपीएफ 60 प्लस मौजूद है। ठीक है, और सबसे अहम बात कि डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है। ठीक है, मुझे भी ये डर्मेटोलॉजिस्ट जो है स्किन की बहुत ही अच्छी उन्होंने रिकमेंड किया था और जब से मैंने इसको लगाना स्टार्ट किया है मैं बाकी सारे जितने भी मैं पहले सनब्लॉक यूज करती थी मैं उनको सबको भूल गई हूं। ये मेरा अब मोस्ट फेवरेट सनब्लॉक है। ठीक है, और 45 ml की जो इसकी बॉटल है ये आपको 700 रुपीज पे मिल जाएगी किसी भी फार्मेसी से। यहाँ पे आप इसकी प्राइस भी देख सकते हो, प्राइस यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, और आप लोग इजीली जो है वो किसी भी फार्मेसी से इसको ले सकते हो। सो मेरी तरफ से ये प्रोडक्ट जो है वो हाईली रिकमेंडेड है। सो अब बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। इसकी पैकेजिंग जो है वो कुछ इस तरह की है। ठीक है, इस तरह से इसकी पैकेजिंग है और एक ये प्लास्टिक बॉटल है और ग्लास इसका लेड है, ग्लास का, प्लास्टिक ग्लास का। ठीक है, और इस तरह से ये पंप में निकलता है। ठीक है, और इजीली अफोर्डेबल जो है वो आपको ये मिल जाता है 700 की प्राइस में। आपको अच्छा जो सनब्लॉक है वो नहीं मिलता तो आप लोग जाएं और ये बाय करें मेरी रिकमेंडेशन पे। सो जब इसको आप अप्लाई करेंगे इस तरह से ये आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा और आपको एक स्मूथ सा जो टेक्सचर है आपकी स्किन को ये मिल जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल भी वाइट कास्ट जो है वो ये नहीं छोड़ता। ठीक है, सो इस तरह से जो है वो इसकी पैकेजिंग है। सो आई होप कि आपको ये रिव्यू जो है अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो कर दीजिएगा लाइक। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।